भगवान आदि पुरुष है। आदि कौन है? बहुत सारे लोग बोलते हैं शंकर जी भगवान है, काल के काल महाकाल है। और शास्त्रों में क्या कहा जा रहा है? भगवान आदि पुरुष है। कश्यप ऋषि ने कहा, जो देवताओं के पिता है, बाप है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। हरि जो है परम भगवान, वो अनंत है, इसलिए समझना मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। कभी देखा है विष्णु ध्यान कर रहा है, नारायण ध्यान कर रहा है, कृष्ण ध्यान कर रहा है, देखे है कभी? कृष्ण अपने लीलाएं कर रहे, बांसुरी बजा रहे, विष्णु नारायण शंकर चक्र गदा पद्म लेके खड़ा है, सागर में लेटे हुए है, शेषनाग के ऊपर अनंत शेष में लेटे हुए है, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रहे, इन लोग को कभी ध्यान करते देखा है? ध्यान कौन कर रहा है? महादेव ध्यान कर रहा है, योग निद्रा में बैठे है, नारायण का स्मरण कर रहा है, कृष्ण की स्मरण कर रहा है, ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण की नारायण की ध्यान कर रहे हैं, ये दोनों ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा महेश्वर, कृष्ण विष्णु नारायण, इनको ध्यान करते हुए कभी देखा है? ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे, बोल रहे ब्रह्म संहिता में, गोविंद आदि पुरुषम तम अहम भजामी। गोविंद आदि पुरुष है, सबका कारण है कृष्ण। गोविंद कौन है? कृष्ण है, वो सबका आदि है। तो कृष्ण से विष्णु है, विष्णु से कृष्ण नहीं, क्योंकि जो स्वयं भगवान है, परम भगवान है, वो किन पे ध्यान लगाएंगे? वो किस पे ध्यान करेंगे? उन पे दूसरा कोई ध्यान कर सकता है जो उनसे आया है? गुणा अवतार, रजोगुणी अवतार ब्रह्मा जी है, तमोगुणी अवतार महेश्वर है, शिव जी है, लेकिन इन सबके प्रकट करने वाला एक ही है, कृष्ण केशव ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। श्रीमद् भागवतम में है, एत चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका मतलब कभी भगवान अपने अंश के, कला अंश के द्वारा भी अवतरित लेते हैं। अभी कुछ लोग बोलेंगे विष्णु जी से कृष्ण आते हैं, विष्णु जी से कृष्ण का अवतार होता है, तो रीड कर लो, पढ़ लो श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय तीसरा स्कंद 28 नंबर श्लोक पढ़ लो, पता लग जाएगा कि विष्णु से कृष्ण है या कि कृष्ण से विष्णु। केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे। विष्णु धृत नहीं है, केशव धृत। कृष्ण और विष्णु एक ही है, लेकिन तत्व एक ही है, लेकिन रस में भेद है। कृष्ण और विष्णु में क्या भेद है? एक ही भेद है, जो विष्णु है वो ऑफिस वाले कृष्ण है, और जो कृष्ण है वो अपने घर वाले कृष्ण है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति ऑफिस जाता है काम करने के लिए, पैंट शर्ट टाई कोट शूज वगैरह डाल के जाता है, कागजात पेन स्विटकेस लैपटॉप हिसाब किताब करने के लिए बुक्स फाइल्स ये सब सारे लेके जाते हो, क्योंकि उसको मैनेजमेंट करना होता है। लेकिन वही ऑफिस वाला जब घर में होता है वो क्या करता है? कुर्ता लुंगी बनियान कच्छा ये सब टॉवल ये सब पहन के घूमता है घर में। ऑफिस में तो वो सब डाल के नहीं जा सकता है ना, घर में रिलैक्स फील करता है वो आदमी। ऑफिस में उसको मैनेज करना होता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, चिंतन में रहता है वो। लेकिन आदमी तो सेम है, नहीं कि आदमी का चेंज हो गया? ऑफिस में वही आदमी था, घर में भी वही आदमी है। लेकिन वही आदमी क्या अपने ऑफिस में अपने पत्नी के साथ रोमांस कर सकता है? अपने बेटों के साथ खेल सकता है? ऑफिस में घोड़े बन के बेटे को पीठ में बिठा के ऐसे ऐसे कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ऑफिस में ये सब। अपने बीबी के साथ रोमांस प्रेम नहीं कर सकते ऑफिस में, वो घर में कर सकते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। जो घर में करते हैं ऑफिस में नहीं कर सकते आदमी। तो उस आदमी को वो सब सारी बीवी बच्चों का आनंद लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अपने घर जाना पड़ता है ऑफिस से। तो आदमी घर से ऑफिस जाता है कि ऑफिस से घर जाता है? घर से ऑफिस जाता है आदमी, फिर ऑफिस से घर को लौट आता है। ऑफिस में एट द मैक्स 8 घंटा 9 घंटा, और बाकी तो घर में पूरा 16-17 जो भी है घर में रहता है। मेन कौन है, प्रमुख कौन है? ऑफिस की घर, घर ऑफिस तो कल बंद भी हो सकता है, घर तो हमेशा रहता है, जल भी सकता है ऑफिस, घर हमेशा रहेगा। इसीलिए कृष्ण का जो घर है उसका नाम है गोलोक वृंदावन। गोलोक वो है कृष्ण का घर है, और कृष्ण का जो ऑफिस है उसका नाम है बैकुंठ, बैकुंठ धाम उनका ऑफिस है, कृष्ण का ऑफिस है। घर में कृष्ण स्वयं जो रहते हैं ग्वाल वाल के रूप में, अपने सखियों के साथ, सखाओं के साथ, गोप गोपियों के साथ लीलाएं कर रहे हैं, गायों के साथ खेल रहे हैं गोलोक वृंदावन में, विचरण कर रहे हैं, लीला स्मरण कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, और ऑफिस में रहते हैं विष्णु स्वरूप में, चार हाथ शंख चक्र गदा पद्म पीठ पीताम्बर धारी। चार हाथ है ना, क्योंकि मैनेजमेंट करना है ना। हम लोग इस दुनिया में जो मैनेजमेंट करते हैं, पीएम है जो भी है, राष्ट्रपति जो भी देश चलाते हैं, वो दो हाथ में एक दिमाग में थक जाते हैं वो लोग। उनको तो पूरे जगत पालन करना है, जगत को मैनेजमेंट करना है, चलाना है, तो इसके लिए उनको चार हाथ की आवश्यकता पड़ता है। चार रसों का भेद है विष्णु और कृष्ण में। कृष्ण बांसुरी बजाता है, वेणु बजाता है,
विष्णु को कभी देखा है बांसुरी बजाते हुए, वेणु बजाते हुए विष्णु बजा रहे? वेणु माधुर्य कला है भगवान श्री कृष्ण के 64 कलाएं में एक स्पेशल कला जो है वेणु माधुर्य कला। लीला माधुर्य रस, विष्णु को कभी देखा है गोप गोपियों के साथ लीलाएं कर रहे, रास कर रहे, देखा है कभी? नहीं कर सकते है विष्णु, उनके मर्यादा है बैकुंठ की, ऑफिसर है वहाँ, ऑफिस मैन है। रूप माधुर्य रस, कृष्ण का जो रूप है वो आकर्षित करता है सब, बच्चे को किसी को भी आकर्षण करता है, इसीलिए सब कोई कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, विष्णु जन्मोत्सव विष्णु जन्माष्टमी कोई नहीं मनाता है। आदमी सेम है, वही ऑफिसर जो ऑफिस में लोगों को धमकाता है वही आदमी घर में बच्चे के नीचे घोड़े बन के दौड़ रहे हैं, बच्चे को कांध में बिठा के। बैकुंठ में कृष्ण विष्णु के रूप में, ऑफिसर के रूप में ऑफिस में शंख चक्र गदा पद में लेके खड़े हैं चार हाथ में, वही कृष्ण गोलोक वृंदावन में बाल लीलाएं कर रहे हैं, झूठा खा रहे हैं अपने गोप गोपियों के साथ। इसीलिए कृष्ण से विष्णु है, विष्णु से कृष्ण नहीं। एक बार हमारे गुरुदेव ने बनाए थे वीडियो कि विष्णु से कृष्ण है कि कृष्ण से विष्णु, मेरे गुरुदेव के ऊपर केस कर दिया था वो लॉयर। उन्होंने क्लेम किया कि ये वीडियो को हटाओ, गुरुदेव को कहा इस वीडियो को हटाओ, उसका बहुत ज़्यादा व्यूज चला गया था कि इस आदमी को हटाओ, इसको उनसे निकाल दो और इस वीडियो को हटाओ। गुरुदेव पे ये इल्जाम लगाया कि ये सनातन धर्म को गलत दिशा दिखा रहा है, बोल रहे प्रमाण दिखाओ कृष्ण से विष्णु आते हैं, भागवत पुराण, ईशोपनिषद, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, इतने प्रमाण चाहिए तो क्या करोगे इतना प्रमाण लेके जो कृष्ण से ही विष्णु आते हैं, कृष्ण ही परम भगवान है। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।